DJ Moral Stories. दुर्गा माँ आई गरबा खेलने, भाग दो। राधिका सुबह सुबह दीप प्रज्वलित करके शंख फूंकती है और दुर्गा माँ की आरती गाती है। वो बहुत बड़ी दुर्गा भक्त होती है। चिरौली शहर की एक कॉलोनी में वो अपनी सौतेली माँ दामिनी, सौतेली बहन किंजल और पिता रघुवेंद्र के साथ रहती है। कई सालों पहले रघुवेंद्र ने राधिका की माँ के देहांत के बाद दामिनी से शादी कर ली, जिससे पहले से ही एक बेटी थी और वो थी किंजल। ये लीजिए पापा प्रसाद। माँ किंजल ये लीजिए आप भी। अरे वाह राधिका बिटिया, ये प्रसाद तो बहुत ही उम्दा बनाया है तुमने। इतना भी कुछ खास नहीं बनाया है रघु। हाँ और नहीं तो क्या। दामिनी तुमसे तो गुलाब जामुन भी जले हुए बनते हैं, तुम तो रहने ही दो। दामिनी और किंजल दोनों राधिका से बहुत जलते हैं, क्योंकि राधिका हर बात में किंजल से खूब आगे होती है। किंजल और राधिका एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और जब वो दोनों 12 साल के थे तब से रघुवेंद्र ने उन्हें नृत्य सिखाने भेजा था और वो दोनों भी अच्छा नृत्य करती हैं। लेकिन नृत्य करने में भी राधिका किंजल से आगे होती है। कॉलेज में जब जब कोई भी डांस प्रतियोगिता होती है तब तब राधिका ही जीतती है। नवरात्रि का पावन पर्व आता है और राधिका हर साल की तरह 9 दिन का व्रत रखती है। कॉलोनी में घोषणा होती है, सुनो सुनो सुनो, कॉलोनी में बहुत बड़ी गरबा प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें बहुत बड़ी हस्ती स्वयं डांसर मधुमालती देवी आने वाली है और वो 9 रातों में हर रात के प्रदर्शन पर प्रतियोगिताओं को जज करेंगी और फिर जो भी अंत में जीतेगा उसे मोटी रकम के इनाम के साथ साथ मुंबई शहर जाकर एक बड़ा डांसर बनने का मौका मिलेगा। अरे वाह ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है, मैं इस गरबा प्रतियोगिता में जरूर भाग लूंगी। मधुमालती देवी आने वाली है, इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती। दामिनी और किंजल जब राधिका को भाग लेने का फैसला लेते हुए सुनती है तभी, माँ ये नासपिटी इस बार भी मेरे रास्ते का रोड़ा बन रही है। अगर इसने गरबा प्रतियोगिता में भाग ले लिया तो मेरी तो पहले दिन में ही छुट्टी कर देगी ये। मुझे एक बहुत बड़ी डांसर बनना है और मधुमालती देवी अगर मुझे विनर बनाएगी तो वो तो सोने पे सुहाना हो जाएगा। तो चिंता मत कर किंजल तिकड़ी, मैं हूँ ना, हम मिलकर ऐसी चाले चलेंगे जिनके चलते ये कलमोही गरबा प्रतियोगिता में पहुँच ही नहीं पाएगी, और पहुँची भी तो गरबा तो हरगिज नहीं कर पाएगी। नवरात्रि की पहली रात राधिका अपना चनिया चोली बाहर निकाल कर रखती है। ये कितनी सुंदर चनिया चोली है, पापा कहते हैं कि ये मेरी सगी माँ की है। इसे पहनकर मैं साक्षात मेरी माँ का आशीर्वाद ले रही हूँ, ऐसा व्यतीत होगा। चलो जल्दी से पापा के लिए उनका रायता बनाकर रख देती हूँ, फिर उसके बाद तैयार होकर गरबा खेलने जाऊंगी। राधिका चनिया चोली वैसे ही रख कर रसोई में चली जाती है और फिर किंजल और दामिनी वहाँ आकर उस चनिया चोली को फाड़ते हैं। और जब राधिका वापस आकर अपनी चनिया चोली को फटा हुआ देखती है तभी, अरे नहीं मेरी चनिया चोली, ये कैसे फट गई? किसने फाड़ा इसे? पिछले 2 हफ्तों से कह रही हूँ तुम्हारे पापा से, घर में पेस्ट कंट्रोल करा लो, चूहे ने ही कुतर दिया होगा तुम्हारी चनिया चोली को। So sad, अब चनिया चोली के बिना तो गरबा प्रतियोगिता में तो जा ही नहीं पाएगी। राधिका हमारे पास भी एक्स्ट्रा चनिया चोली नहीं है, वरना हम ही तुझे दे देते। यू नो ना मेरा और माँ का दिल इस पृथ्वी ग्रह से भी बड़ा है। नहीं मैं हार नहीं मानूंगी, कोई भी कला पोशाक के होने ना होने से परखी नहीं जाएगी, मैं कुछ और पहनकर गरबा खेलूंगी। राधिका दूसरा लहंगा पहनकर गरबा प्रतियोगिता में चली जाती है और ये देख दामिनी और किंजल
आग बबला हो जाते हैं। राधिका पंडाल में पहुंचकर मधुमालती देवी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। जुग जुग जियो बेटी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। धन्यवाद मधुमालती देवी, आशीर्वाद दीजिए कि मैं 9 रातों तक अच्छा नृत्य कर पाऊं। हाँ बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है। पहली रात राधिका बहुत अच्छा गरबा खेलती है, जिससे सभी बहुत खुश हो जाते हैं और उसके लिए सभी जोरदार तालियां बजाते हैं। अगली रात, कल तो ये चली गई थी गरबा खेलने, लेकिन आज ये नहीं जा पाएगी, क्योंकि आज हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये बाथरूम के ही चक्कर लगाती रहेगी। दामिनी और किंजल राधिका के व्रत की खिचड़ी में तीखी मिर्च पाउडर डालते हैं, जिससे उसका पेट बुरी तरह खराब हो जाए। लेकिन राधिका उस खिचड़ी को खाने जाती है, उतने में वो खिचड़ी गिर जाती है और फर्श पर फैल जाती है। हे भगवान, ये खिचड़ी गिर कैसे गई? अरे नहीं, गई भैंस पानी में। किंजल और दामिनी की ये चाल भी उल्टी पड़ जाती है। फिर तीसरी रात वो दोनों कुछ ऐसा प्लान करती है जो काफी खतरनाक और जानलेवा होता है। वो दोनों राधिका के कमरे के फर्श पर करंट छोड़ देती है। अब जब वो चुड़ैल कमरे में आएगी, तब फर्श पर कदम रखते ही उसे लगेगा जोर का झटका। लेकिन 1 घंटा बीत जाता है और राधिका उसके कमरे में आती ही नहीं है, और दामिनी और किंजल को उनकी पड़ोसन बताती है, अरे दामिनी बहन, राधिका बिटिया तो कब की निकल चुकी है, और तो और प्रतियोगिता का आज का राउंड भी शुरू हो चुका है, जाइए देखिए। क्या इसका मतलब मेरा नंबर आकर भी गया होगा? मैं तो बहुत लेट हो गई आज माँ। सारी हमारी ही गलती है, हमें पता कर लेना चाहिए था कि वो भूतनी राधिका घर पर है भी या नहीं। तीसरी रात भी राधिका ही सुंदर तरह से गरबा नृत्य करती है, जिससे मधुमालती देवी और सारे गली के निवासी उसकी सराहना करते हैं। किंजल और दामिनी अब समझ जाते हैं कि राधिका हर एक मुसीबत को मात देकर आगे जा सकती है, इसलिए वो दोनों नवरात्रि के 9वें दिन राधिका को गुंडों के हाथों से किडनैप करवाते हैं, और गुंडे राधिका को जंगल में ले जाते हैं और वहाँ उसे पेड़ से बांध देते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। बड़ी आई गरबा प्रतियोगिता जीतने, लेकिन अब आज के आखिरी अवसर में ना आकर तू वो कंपटीशन हार जाएगी। हमेशा से तू मुझसे आगे रही है, लेकिन आज माँ और मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरा नामो निशान ही मिटाने वाले हैं। ये ले केरोसिन। किंजल पेड़ के चारों तरफ से केरोसिन छिड़कती है और फिर माचिस जलाकर जलती हुई तीली को नीचे फेंक देती है, और वहाँ आग लग जाती है, जिसमें बेचारी बेबस राधिका जलने लगती है। वो दर्द से चीखती भी लगती है, नहीं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ किंजल माँ। अब इस राधिका का किस्सा तो खत्म। दुर्गा माँ, मुझे बचाओ। अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि अब तू जलकर राख हो जाएगी। किंजल और दामिनी वहाँ से चले जाते हैं। राधिका जलकर राख हो जाती है, लेकिन किंजल और दामिनी पंडाल में पहुंचकर राधिका को देखकर हैरान और हक्का बक्का रह जाते हैं। राधिका प्रतियोगिता में खूब अच्छे से गरबा नृत्य करती है और मधुमालती देवी उसे ही विजेता घोषित करती हैं। ये लो राधिका, तुम्हारा 10 लाख रुपए का इनाम और ये कॉन्ट्रैक्ट, इस पर साइन करो बेटी, क्योंकि अब तुम मेरे साथ मुंबई चल रही हो बड़े मुकाम पर डांस करने। सच? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मधुमालती देवी। किंजल अपना आपा खो देती है और वो राधिका के पास जाकर गुस्से से चिल्लाती है, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें तो मैंने और माँ ने जंगल में कुछ देर पहले ही जला दिया था ना। अरे बेवकूफ लड़की, ये तूने क्या बोल दिया, सारा भांडा फोड़ दिया तूने तो।
सभी ये जानकर बहुत चक्के रह जाते हैं कि किंजल और दामिनी ने राधिका की जान ले ली है। ये तुम क्या कह रही हो? राधिका तो हमारे सामने जीवित है और तुमने और तुम्हारी माँ ने राधिका की जान लेने की कोशिश की? तभी वहाँ पर राधिका दुर्गा माँ के रूप में बदल जाती है और सभी दुर्गा माँ को देख चकित होकर नतमस्तक हो जाते हैं। इन दोनों दुष्ट औरतों ने मेरी भक्त राधिका के प्राण ले लिए। उन्होंने उसे जंगल में मार दिया, लेकिन मेरे होते हुए मैं मेरे भक्त पर आज भी नहीं आने दूंगी। तभी माँ दुर्गा के सामने राधिका आती है और असली राधिका को देख सभी चौंक जाते हैं। जब तुम दोनों ने मुझे मार डाला, उसके बाद मेरी दुर्गा माँ आई मुझे बचाने के लिए, और वो स्वयं रूप बदलकर यहाँ आई गरबा खेलने, ताकि वो तुम्हारी असलियत का पर्दाफाश भी कर सके। तुम दोनों ने बहुत गलत किया है किंजल और दामिनी, और उसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। किंजल और दामिनी को उम्र कैद की सजा हो जाती है। वहीं दुर्गा माँ राधिका और अन्य भक्तों को आशीर्वाद देकर वहाँ से अदृश्य हो जाती है, और राधिका और उसके पिता मुंबई शहर चले जाते हैं, और वो आगे जाकर एक बहुत बड़ी डांसर बनती है। शीतल ने जब गरबा के लिए अपनी सहेलियों को जाते हुए देखा तो उसका मन भी डोलने लगा, लेकिन दूसरे ही पल उसे अपने हालात पर पछतावा होने लगा। उसकी पड़ोसन की लड़की हेतल गरबा के कपड़े पहनकर उसके पास मटकते हुए आई। शीतल, क्या देख रही है? मैं भी आज गरबा में जाऊंगी, वहाँ बड़ा कंपटीशन है, इस बार मैं ही जीतूंगी। तू तो गरबा में भाग लेगी नहीं, गरबा के लायक कपड़े नहीं है ना तेरे पास? मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं, उसे पहनकर गरबा देखने के लिए तू आ सकती है। शीतल को बड़ा दुख हुआ और वो अपने घर के अंदर चली गई। माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने वो रो पड़ी। हे जगत जननी माँ, मैं तो बहुत अच्छी तरह गरबा खेलती थी, लेकिन अब मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए गरबा में भाग नहीं ले पा रही हूँ। माँ, मैं अनाथ और गरीब क्यों हो गई? इस तरह से बदनसीब क्यों हो गई? मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या पाप किया है? शीतल माँ दुर्गा के सामने बोल ही रही। बड़ा सा शेर मौसी के पास आ गया और मौसी उस पर सवार हो गई। ये दृश्य देखकर शीतल पूरी तरह चौंक गई। मौसी साक्षात दुर्गा माँ बनकर शेर पर सवार हो गई। दुर्गा माँ स्वयं मेरे पास आई और मुझे प्यार से इतना सब कुछ दे दिया। माँ तुम्हारी बड़ी कृपा हो गई, अब मैं भी माँ की पूजा करके गरबा खेलने जाऊंगी। शीतल जब गरबा की अच्छी सी ड्रेस पहनकर गरबा खेलने के लिए सहेलियों के पास पहुंची, तो सब उसे देखती ही रह गईं। उसकी सहेली हेतल तो पूरी तरह से चौंक गई। अरे शीतल, तुझे इतने अच्छे कपड़े और गहने किसने दिए? माँ दुर्गा ने दिए, उनकी बड़ी कृपा है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ।
हेतल को बड़ी जलन हो रही थी। वो समझ गई कि यदि शीतल ने हर दिन गरबा में भाग लिया तो फर्स्ट प्राइज मार लेगी। उसके दिमाग में कुछ खुराफात आने लगी। शीतल, हेतल और उसकी सहेलियों ने गरबा में भाग लिया और वहाँ से छूटने के बाद हेतल ने अपने घर ले जाकर शीतल को शरबत पीने को दिया, जिसमें उसने एक दवाई मिला दी थी। शीतल, ये शरबत पी ले, सारी थकावट दूर हो जाएगी और कल गरबे में दोगुने जोश के साथ आएगी। अरे, ये कुछ कड़वा कड़वा लग रहा है, क्या इसमें कुछ मिलाया है? बहुत शक्तिशाली शरबत है, इसलिए ऐसा लग रहा है। पीना पीना, बहुत फायदा मिलेगा। शीतल ने शरबत पी लिया और घर चली आई। उसे रास्ते में चक्कर आ रहा था और वो गिर गई। उसके हाथ पैर में चोट आ गई, बुखार भी आ गया। दूसरे दिन वो गरबा खेलने लायक रही ही नहीं। हेतल को उसके बारे में सारी खबर मिल गई थी। हेतल मन ही मन खुश हो रही थी, उसके रास्ते का कांटा जो हट गया था। अब तो रोज गरबा में मेरा ही जलवा होगा, शीतल का पत्ता साफ हो गया, अब वो 4-5 दिन तक तो आ ही नहीं पाएगी। अब मेरा फर्स्ट प्राइज पक्का है। माँ दुर्गा ये जान गईं कि हेतल ने ही शीतल को शरबत में दवा मिलाकर पिलाई थी। शीतल की तबीयत ठीक नहीं है और वो कुछ दिनों तक गरबा नहीं खेल पाएगी। माँ दुर्गा स्वयं शीतल बन गईं और गरबा के पंडाल में पहुँच गईं। हेतल जब गरबा में पहुँची तो वहाँ सजी धजी शीतल को देखकर हक्की पक्की रह गई। अरे, ये तो बिस्तर पर थी बीमार, यहाँ कैसे आ गई? मेरी मेहनत बेकार हो गई, मैंने तो कुछ देर पहले इसे बिस्तर पर कराहते हुए देखा था और ये इतनी जल्दी ठीक हो गई और सच धज कर आ भी गई। क्या सोच रही हो हेतल, क्या इस बार भी शरबत पिलाना चाहती हो? कितना भी शरबत पिला लो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है, बाजी तो शीतल के हाथ ही लगने वाली है। शीतल, ऐसा क्यों कह रही हो? शरबत तो मैंने तुम्हें बड़े प्यार से पिलाया था, उसमें ही चुपके चुपके से कुछ मिलाया था, ये भी बोल दो। हेतल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि शरबत में कुछ मिलाने वाली बात शीतल को कैसे मालूम हुई, क्योंकि उसने जब वो दवा मिलाई तब उसके सिवा वहाँ कोई नहीं था। अब प्रतिदिन दुर्गा माँ शीतल के भेष में गरबा खेलने आने लगी और हेतल जलने भुनने लगी। माँ दुर्गा अपनी शीतल को हर हाल में सफल बनाना चाहती थी। आखिरी दिन माँ दुर्गा की कृपा से शीतल पूरी तरह से ठीक हो गई। उसी दिन गरबा की प्रतियोगिता का आखिरी दिन भी था। गरबा शुरू हो गया। शीतल ने बहुत सुंदर गरबा किया, सभी उसे ही देख रहे थे। हेतल शीतल के साथ ही गरबा कर रही थी और उसे बड़ी जलन हो रही थी। उसने एक दो बार शीतल के पैर में पैर मारा, लेकिन शीतल बच गई। आश्चर्य की बात कि हेतल स्वयं गिर गई, उसकी बेइज्जती हो गई। शीतल शानदार ढंग से खेलती रही और हेतल ने पंडाल के पास के वॉशरूम के नल में बिजली का तार जोड़ दिया था, ताकि जब शीतल उसे चालू करने जाए तो उसे शॉक लग जाए। वो शीतल को लेकर वॉशरूम में गई। शीतल जब नल के पास पहुंची तो रुक गई। रुक क्यों गई शीतल, हाथ मुंह धो लो, गरबा खेलकर बड़ा पसीना आ जाता है। हेतल चाहती थी कि जल्द से जल्द शीतल नल को छुए और उसे शॉक लग जाए। शीतल ने जैसे ही नल को छुआ, बिजली चली गई और शीतल साफ बच गई। ये भी दुर्गा माँ का ही चमत्कार था, जो उन्होंने एन टाइम पर बिजली काट दी थी। हेतल की योजना पर पानी फिर गया, वो शीतल के साथ घर लौटने लगी। अचानक शीतल की मौसी के रूप में दुर्गा माँ एक रथ पर बैठकर आ गईं। शीतल बिटिया, बधाई हो, आज आपने बाजी मार ली है, चलो मैं आपको अपने घर पर ले चलती हूँ। शीतल ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। माँ, आपकी बहुत बड़ी कृपा है, चलिए आपके साथ चलने पर मुझे भी बड़ी खुशी मिलेगी। शीतल दुर्गा माँ के साथ आगे निकल गई और हेतल ने जब पीछे मुड़कर देखा तो दुर्गा माँ का शेर भयंकर रूप बनाकर खड़ा था। बचाओ, मर गई रे! हेतल भागने लगी और शेर पीछे पीछे आने लगा।
दोस्तों आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। DJ Moral Stories.